यहाँ पे दो कैमरे लगे हुए जिससे ये ड्राइवर की फटीक और ये सब ऐसा स्पेस दे रही है जो कि हिडन स्पेस है उसके। डोंट टेक इट एज नेगेटिव बट इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय, आप ये एक ऐसा फीचर है जो कि सिर्फ अभी मतलब स्पेशली रेंज रोवर में आया है। 24 वाली आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन, सत श्री अकाल सबनु ते सबनु राम राम ते सबनु सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। आज है 2 जनवरी और हमारे ऑफिस की होती है आज छुट्टी। तो कल हमने एक आपको कार रिव्यू करने का व्लॉग शेयर किया था, आई होप यू लाइक्ड इट, बट वो पूरा नहीं हो पाया था बिकॉज व्लॉग बहुत लेंदी हो रहा था। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड ये किया कि आपको आज इस कार के फीचर्स क्या क्या हैं और इंटीरियर्स, कार का इंटीरियर्स कैसे हैं और जो छोटे मोटे फीचर्स और रह गए थे पहले वो दिखाएंगे, फिर छोटी छोटी कमियां भी दिखाएंगे गाड़ी में कहाँ कहाँ कमियां। मतलब डोंट टेक इट एज नेगेटिव बट इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय, आपके लिए व्लॉग बड़ा अच्छा होगा। कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो मैं आपको धीरे धीरे अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके। और डेविल्स की मर्चेंडाइज का शूट शुरू हो गया है तो हमने क्लोथिंग रेंज के लिए शूट करना शुरू कर दिया है और अभी तक अमेजिंग जा रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगे और अगर आपको बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट इनसाइड दिस। अगर वो फील वैसी वाली आई जैसे मुझे आ रही है तो एक डेडिकेटेड स्टोर स्टार्ट करेंगे और कुछ ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो कि क्लोथिंग लाइन में स्टार्ट करना चाह रहे हैं विद अ ब्रांड और छोटे छोटे स्टोर्स खोलेंगे। इट्स नॉट गोना बी अ बिग स्टोर और साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ कैफ़े। तो देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इन दोनों चीज़ों को क्लब किया जाए और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये कॉम्बिनेशन। और भाई गाड़ी में सिर्फ पीछे दे रखे हैं डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स और इवन यहाँ पे भी आपको नहीं दे रखे, सिर्फ पीछे टेल लाइट में आते हैं। तो गाड़ी का मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ और फीचर्स दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर से क्या क्या। अंदर बैठते साथ ही आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से स्टेयरिंग का व्यू, सेम स्टेयरिंग रेंज रोवर वोग में कह लो या रेंज रोवर में कह लो आता है। इसमें ड्यूअल टोन स्टेयरिंग दे रखा है और ये भी ड्यूअल स्टिच्ड है जिसमें बाहर इन्होंने ब्लैक कलर का लेदर दे रखा है और अंदर बेज कलर का। और इवन यहाँ पे जो एयर बैग वाला है जहाँ पे हॉर्न का ये दे रखा है जिसमें रेंज रोवर की बैजिंग दे रखी है, ये भी लेदर का। नाउ स्टेयरिंग पे दोनों तरफ कंट्रोल सिस्टम दे रखे हैं, लेफ्ट से आप बेसिकली फीचर्स कंट्रोल कर सकते हो MMI के और ड्राइवर्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के। ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले का साइज़ दिया हुआ है 13.7 और जो MMI है मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो है MMI इसका है 13.1 इंचेस। कमाल की बात है, दिखने में तो ये बड़ी लगती है लेकिन है टेक्निकली ये वाली बड़ी। इसके अलावा गाड़ी में आपको मिल जाएगा ये लैंड रोवर जहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हेड्स अप डिस्प्ले है और ये मल्टी फंक्शन डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको नेविगेशन भी मिलेगी और गाड़ी के अंदर ड्राइव मोड्स कौन से चल रहे हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएगा और इसको आप थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो गाड़ी स्टार्ट होती है यहाँ से, ये यहाँ से जैसी गाड़ी स्टार्ट होगी तो लास्ट जो ड्राइविंग पोजीशन है ना उस पर आके सेट हो जाएगी। और इसके अलावा मेमोरी सीट फंक्शन दे रखे हैं जिसमें 3 मेमोरीज दे रखी हैं, आप 3 लोग अगर चलाते हो गाड़ी शेयर करते हो तो 3 मेमोरीज ये सेट हो सकती है। 24-way एडजस्टमेंट सीट है विदाउट मसाज फीचर, विद मसाज चाहिए तो ऑटोबायोग्राफी ही लेना विच इज़ 85 लाख रुपीज़ मोर एक्सपेंसिव देन दिस वन। और वो मैं डीजल वेरिएंट की बात करूँ, शायद पेट्रोल थोड़ा सा और महंगा होगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने एप्पल कारप्ले कनेक्ट किया हुआ है अपनी फ़ोन के साथ, दूसरे वाले फ़ोन के साथ। बाकी इस तरीके से आपको डिस्प्ले का लेआउट मिलता है और ये आ जाता है इसका मेन मेन्यू या कह लो जो भी इसमें सारे फीचर्स दे रखे हैं वो सारे। ऊपर नेविगेशन, देन यू कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स बेस्ड ऑन हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग, देन सीट्स को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे दे रखा है इसमें सिर्फ आपकी आगे पीछे ऊपर नीचे ये वाली एडजस्टमेंट होगी, अगर आपको बोल्स्टर एडजस्ट करने तो वो यहीं से होंगे, लंबर एडजस्ट करना है वहीं से होगा और कुशन को एक्सटेंड करना है तो वो भी यहीं से होगा। बेसिक फीचर आप वहीं से हैंडल कर सकते हो इस वाले कंट्रोल से, बाकी सारे फीचर्स आपको
यहीं से कंट्रोल करने पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से आप गाड़ी की राइड हाइट भी कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली ये फीचर सिर्फ तब काम का है जब आपको गाड़ी से बाहर जाना है। जैसे अभी आपको यहाँ पे ना गाड़ी में इस वाले डिस्प्ले में दो गाड़ी बनी हुई नज़र आ रही होगी या दो आइकन नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब अभी गाड़ी की जो हाइट है वो नीचे है, लोअर है, जो कि है एक्सेस पोजीशन या एक्सेस मोड पे। और जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा, ड्राइव मोड पे डालूँगा, गाड़ी अपनी जो है नॉर्मल हाइट पे आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके बाकी फीचर्स के बारे में। तो भाई यहाँ पे 4x4 का जो आइकन नज़र आ रहा है, इससे आप गाड़ी का डिफरेंशियल चेक कर सकते हो, एयर मतलब सस्पेंशन चेक कर सकते हो। यहाँ ये चारों सस्पेंशन का वो दिखाते हैं, और ये तीन डिफरेंशियल नज़र आ रहे हैं, एक आगे, एक इधर सेंटर में और एक पीछे। तो तीन डिफरेंशियल कब लॉक होते हैं, कब अनलॉक होते हैं, तो वो आपको नज़र आता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आएगा गाड़ी की एक्चुअल में कौन से डिग्री पे खड़ी है। इसके अलावा ऑल्टीट्यूड, देन बेयरिंग, मतलब बेसिकली आपको ये डायरेक्शन बता रहे हैं कहाँ पे खड़ी है। और इधर भी जीरो डिग्री पे, मतलब ये एक तरफ का दिखा रही है, ऐसे दूसरी तरफ का, दोनों तरफ के आप ये एंगल दिखा सकते हो। देन इसमें वेट सेंसिंग का फीचर दे रखा है कि अगर आप गाड़ी वेडिंग कराते हो, वाटर वेडिंग कराते हो, तो वो डेप्थ नाप लेगी। इनके साइड मिरर में दे रखे हैं सेंसर्स, जिसके बेसिस पे वो करती है। बाकी आ गया तो भाई, ये तो आ गया 4x4 वाले आइकन के फीचर जो इसमें। देन इसमें एक अमेजिंग सा फीचर आता है, लो ट्रैक्शन मोड। ये एक ऐसा फीचर है जो कि सिर्फ अभी, मतलब स्पेशली रेंज रोवर इसमें आया है, रेंज रोवर्स में आया है, कि आप अडेप्टिव क्रूज ऑफ रोडिंग के लिए भी लगा सकते हो, विच इज़ एन अमेजिंग फीचर जो अभी कोई गाड़ी भी नहीं ऑफर करती। और लो ट्रैक्शन का मतलब है ये छोटे गियर पे चलेगी गाड़ी और अपने आप चलेगी। बात कर लेते हैं कैबिन लाइटिंग की। ये आ गया भाई, कुछ इन्होंने स्टैंडर्ड दे रखी है, देन अगर आपको कोई अपनी चॉइस का कलर चाहिए तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप एक्सन और बैकग्राउंड दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हो। देन फुटवेल, मतलब इस एरिया की लाइट्स ऑन ऑफ, मतलब फुटवेल मतलब इस एरिया की लाइट्स को जो है आप ऑन ऑफ कर सकते हो। गाड़ी में दे रखा है डिसेंट स्पेस भी, आराम से इजिली 1 लीटर की वाटर बॉटल के अलावा 1 लीटर की और बॉटल आ जाएगी, और स्पेस गाड़ी में कहीं पे कमी नहीं है। बट थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज सा स्पेस है, उसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा क्यों। बाकी गाड़ी फीचर करती है ऑटोमेटिक पार्क असिस्ट, बट मैं आपको सलाह नहीं दूंगा चलाने की, क्योंकि कल मैंने ट्राई किया था, इट वॉज नॉट परफेक्ट। मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी इंडियन मार्केट इज़ नॉट रेडी, या मोस्टली पार्किंग इस तरीके से डिज़ाइन नहीं है कि खुद से पार्क कर सके। देन इसमें वैले मोड दे रखा है, वैले मोड में आप गाड़ी की स्पीड लिमिट कर सकते हो। इसके अंदर जो लॉक्स लगे हुए हैं वो, मतलब जो ये सारे फीचर्स काम नहीं करेंगे, ये जो ग्लव बॉक्स खोलेगा नहीं, ये वो। बाकी देखो ग्लव बॉक्स खोलने का बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो दे रखा है, ये देखो ऊपर भी स्टोरेज दे रखा है, नीचे भी अच्छा खासा स्टोरेज दे रखा है। एसी के कंट्रोल यहीं पे आ जाते हैं, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली बटन, बट दे ऑफर यू हैप्टिक फीडबैक। जैसे कि मैंने प्रेस किया, आपको फीडबैक आ जाएगा, बट फील नहीं आएगी कि आपको कोई मैनुअल बटन दबाया हुआ। बट ये चीज़ इन्होंने अच्छी रखी है कि आप जो ऑटोमेटिक का एसी के कंट्रोल्स है ना, वो यहाँ पे दे रखे हैं। देन इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, देखो अभी जैसे मैं घुमाऊँगा नॉब, तो ये मैं इससे टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा, पुल करूँगा, तो आ जाएगा मैं फ़ैन की स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ, और मैं अगर पुश करूँगा तो टेम्परेचर कर सकता हूँ। देन अगेन दोबारा पुश करूँगा तो मैं सीट की वेंटिलेशन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब सिंगल बटन के अंदर तीन फीचर इन्होंने डाले हुए हैं, जो कि इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा ये डेडिकेटेड दे रखा है ड्राइव मोड के लिए बटन, ये अभी फ़िलहाल मैंने सेट किया हुआ है कंफर्ट पे, और आप यहाँ से इको और डायनामिक मोड में चेंज कर सकते हो। देन अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेट द कार डिसाइड, तो आपको सिर्फ ये दबा देना है। तो इससे क्या है, कार खुद ही टेरेन को चेक करेगी और उसके बेसिस पे अपने आप इसके जो मोड्स है वो एडजस्ट करती रहेगी, बट बताएगी नहीं कि मैं कौन से मोड पे चल रहा हूँ। इसके अलावा ये तीन मोड तो स्टैंडर्ड हो गए, मतलब मोस्टली गाड़ियों में आजकल ये वाले आ जाते हैं। जो ऑफ रोड डेडिकेटेड मोड्स दे रखे हैं इसमें, ग्रास, ग्रेवल, स्नो, मड रट्स, सैंड एंड देन वेड। वेड मतलब अगर आपको वेड में, जैसे हम करते हैं गाड़ी की हाइट ऊपर उठा देती है भाई। मोस्टली सिटी में आप कंफर्ट में चलाओगे या इको में चलाओगे। अच्छा, इसमें चॉइस ऑफ कलर्स मिल जाएंगे आपको गाड़ी में, मतलब मैंने ये सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि यही ऑप्शन अवेलेबल था, अदरवाइज इसमें एक
टैन रेड कलर भी आता है विच लुक्स नाइस। एक ब्लैक का भी ऑप्शन है बट दैट इज़ एन ऑप्शन, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। ये भी आप डोर के जो साइड पैनल्स है ये भी चेंज करा सकते हो, कार्बन फाइबर करा सकते हो। लॉक अनलॉक यहाँ से ऑपरेट होता है, ये दो बटन दे रखे हैं। यहाँ से आप बूट स्पेस को ओपन लॉक कर सकते हो, ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। बाकी मोस्टली लोगों को यहाँ पे ना प्रॉब्लम होती है कि पहली बार इसका गेट खोलने में, क्योंकि ये साथ में ना मर्ज हो रहा है, ये बेसिकली लेवर दिया हुआ गेट खोलने के लिए। मेरिडियन साउंड सिस्टम दे रखा है बट मुझे इतनी बढ़िया क्वालिटी का नहीं लगा। टोटल अराउंड इसमें स्पीकर लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 स्पीकर तो आगे लगे हुए हैं, लेकिन फील वैसी वाली नहीं आती। टोटल आई थिंक इसमें 12 या 13 स्पीकर हैं, लेकिन मज़ेदार नहीं है, मज़ेदार नहीं है भाई। मतलब आप खुद से ना एक बारी ट्राई करके जब आप टेस्ट ड्राइव लोगे एक्सपीरियंस कर लेना। मुझे वॉल्वो का बेटर लगा पर्सनली। चलो मैं ये वाले डिस्प्ले को आपको कंट्रोल करके दिखाता हूँ। तो हमें दबाना है ये वाला बटन, ये दबाने के बाद कुछ इस तरीके का मेन्यू आएगा जिसमें आ रहा है इन्फो पैनल, ये आपका सेंटर वाला है। इसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस चूज कर सकते हो, जिसके अंदर आ जाता है ट्रिप की समरी आ जाती है, 4x4 की इंफॉर्मेशन आ जाती है, देन ड्राइवर असिस्टेंस क्योंकि इसमें ADAS दे रखा है, बट ADAS में भी कुछ फीचर्स मिसिंग है, जैसे ब्लाइंड स्पॉट नहीं आता। देन ADAS जो है वो तभी काम करेगा जब आप इसको यहाँ से एक्टिवेट करोगे। जैसे वॉल्वो में या मर्सिडीज़ में एडिशनल फीचर्स दे रखे हैं कि एंटी कोलिजन और फॉरवर्ड एंड रियर दोनों ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, इसमें नहीं है वो फीचर। देन इसमें स्टेयर असिस्ट भी नहीं है, मतलब स्टेयरिंग असिस्टेंस नहीं है, उसको इन्होंने कंपनसेट किया हुआ है लेन असिस्ट से। तो जहाँ पे लेन होगी वहीं पे रीडिंग करेगी, बट टेक्निकली इट इज़ राइट ऑल्सो कि हमारे यहाँ पे लेन ही होगी तभी आपका वो स्टेयरिंग असिस्ट भी काम करता, अदरवाइज वो काम नहीं करता। तो हम बात कर रहे थे इस वाली इंफॉर्मेशन वाली डिस्प्ले की, जो ड्राइवर्स डिस्प्ले है। तो यहाँ से आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। लेआउट में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, फोकस्ड, इसमें स्पीड जो है सेंटर में आ जाएगी, मैप साइड में आ जाएगा, बट इस मेन्यू को आप चेंज कर सकते हो चाहो तो लेफ्ट वाले। दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है डिस्प्ले के लेआउट का, वो दे रखा है मैप, बट मोस्टली आप जो मैप है वो कनेक्ट करोगे गूगल मैप्स, जो कि आपके फ़ोन से ही चल रहा होगा क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वहाँ दिया हुआ है। बट ये फ़ायदा बेनिफिट जो है आपको वॉल्वो में पूरा पूरा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा गूगल का सिस्टम है, एंड्रॉयड सिस्टम ही काम कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली एंड्रॉयड बट दे हैव देयर ओन गूगल सिस्टम, दैट्स व्हाट दे कॉल। देन ये आया था डायल्स, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये ओल्ड स्कूल है और यही बढ़िया लगता है। चलो आया था पैसेंजर, अब इसको एक बार रिव्यू किया जाए। पैसेंजर मतलब जो पीछे बैठेगा। तो भाई 4-zone एयर कंट्रोल का सिस्टम दे रखा है, एयरकॉन का सिस्टम दे रखा है, यहाँ से आप पीछे एडजस्ट कर सकते हो। सेम फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताया, और कमाल की बात यह है कि कोल्ड एंड हॉट दोनों में काम करती है। और देखो आप यहाँ से ना अपनी सीट का पीछे रिक्लाइन एंगल भी चेंज कर सकते हो, जो कि अराउंड 34 डिग्री तक एडजस्ट होता है। ऊपर दे रखे हैं ग्रैब हैंडल इनकेस अगर आप ऑफ रोडिंग पे जाते हो, और यहाँ पे टच करके ये लाइट जल जाती है, अभी जल नहीं रही है, नहीं यहाँ से चलती, सॉरी पहले वाली में यहाँ से चल जाती थी, अब इन्होंने यहाँ पे एक जो फिंगरप्रिंट वाला होता है ना वो दे रखा है, इससे आप इसकी डिमिंग भी कंट्रोल कर सकते। ऊपर दे रखा है मून रूफ विथ सनरूफ, मून रूफ इसलिए बोल रहा हूँ पहली बार खोलोगे आपको ऐसा लगेगा फुल मून रूफ दे रखी है, फिर सनरूफ का भी ऑप्शन है, आगे से पार्टली खुल जाती है। और ये जो मून रूफ है ना पीछे तक, मतलब ये जो सनरूफ है ना ये पीछे तक एक्सटेंड होती है यहाँ तक। ये हेडरूम इज़ वेरी वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा हेडरूम है। मेरी हाइट है 5'6", रेफरेंस के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। कंपनी फिटेड ब्लाइंड्स आते हैं बट ये मैनुअल आते हैं, और मैं सजेस्ट ये करूँगा इसको खोल के रखो, अदरवाइज यहाँ पे लेदर पे निशान आ जाएगा। इंटरेस्टिंग मटेरियल का यूज़ कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने रिसाइकल्ड फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ भी सॉफ्ट टच है, इधर भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ करा हुआ है, और नीचे प्लास्टिक की हाउसिंग, नहीं मेटल की, प्लास्टिक की हाउसिंग दे रखी है स्पीकर्स की। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे मिल जाता है, ये तो यार कॉमन फीचर्स हैं बस। बस मोर ऑल एस ये फीचर्स थे इस गाड़ी के, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पीछे से बहुत रूमी है, काफ़ी बड़ी विंडो दे रखी है, और विंडो की बेस्ट पार्ट पता क्या है, ये आपके शोल्डर से स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो आपको और रूमी फील होगा, और पीछे से ऐसे स्टेडियम वाली फील आएगी आपको, स्टेडियम वाली तो नहीं आएगी वैसे, पीछे पे आपको ऐसे रिलैक्स वाली फीलिंग आएगी, स्टेडियम वाली नहीं आएगी सॉरी। स्टेडियम सेटिंग में क्या होता है कि आप थोड़ा सा ड्राइवर से और ऊपर बैठते हो। कुछ चीज़ें यूजलेस भी दे रखी है, ऐसे ये किसी काम की नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये दे रखा है, इसकी वजह से ना इन्होंने एक गड़बड़ कर रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब एज एन एक्सेसरीज या एज एन एड ऑन, एज एन लोडिंग, इट इज़
समथिंग लाइक दिस कि इन्होंने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर दे दिया। रेफ्रिजरेटर आने की वजह से यहाँ पे कोई भी स्पेस यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया रेफ्रिजरेटर में। दो मोड दे रखे हैं, प्रेस करोगे ये एम्बियंट लाइटिंग आती है, अच्छा लगता है बड़ा। और इसको दो मोड पे आप कंट्रोल कर सकते हो इसकी कूलिंग, सर्दियों में किसी काम का नहीं है। लेकिन हाँ, और ये आगे पीछे भी नहीं होता, यू नो यू कैन नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट। अब इसकी वजह से ये जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया ना, इन्होंने यहाँ पे एक ऐसा स्पेस दे दिया जो कि हिडन स्पेस है, और उसके अंदर एक दे रखी है यूएसबी ए और यूएसबी सी, और दो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन इन्होंने पैड जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि ये डिस्प्ले जो है गर्म हो जाती है यहाँ से। और स्पेस की कमी नहीं है, इन्होंने आपके एक और फ़ोन के लिए स्पेस यहाँ पे भी दे रखा है। तो ये जो है वो इधर से निकल जाता है, देखो ऐसे हाथ निकल जाता है। तो ये थ्रू स्पेस है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपना दूसरा फ़ोन रखने के लिए, और वहाँ पे भी चार्जिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ। बट मेरे हिसाब से दो देने चाहिए थे, एक पैसेंजर के लिए, एक उधर के लिए, मतलब एक को ड्राइवर के लिए। बट ठीक है, ओवरऑल एक्सेलरेटर और ब्रेक के जो पेडल हैं वो मेटल के हैं, विच गिव्स वेरी प्रीमियम लुक। मैट्स इनके साथ आए थे, बट दोज वर लाइक फैब्रिक मैट्स, मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मैंने उसके ऊपर ये वाले मैट्स अपने हिसाब से बनवा के लगा लिए। सब कुछ यहाँ पे डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच मटेरियल दे रखा है। वूफर एक आगे प्लेसमेंट है, दोनों ट्विटर की यहाँ प्लेसमेंट है, एक सब ऊपर एक सब वूफर है, इधर दोनों तरफ वूफर दे रखे हैं डोर्स पे। और यहाँ पे दो छोटे छोटे स्पीकर है, आई थिंक ये माइक्स है, एक माइक इधर दे रखा है, एक माइक उधर दे रखा है। यहाँ पे चश्मा रखने के लिए, मतलब आपका गॉगल रखने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ से आप सनरूफ और इस मूनरूफ को भी, मैं इसको मूनरूफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले यहाँ पे मूनरूफ ही आती थी। ये देखो, अब इतना बड़ा तो भाई मूनरूफ का एक्सपीरियंस ही कराती है। इस फैब्रिक रूफ को अगर आप चेंज कराना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ कि इसमें चाह रहे हो कि और सॉफ्ट वाली फीलिंग आ जाए, एलकेंटारा चाहिए, तो आप ऑटोबायोग्राफी ले लेना 85 लाख रुपीस डाल के। इन्होंने ये एक SOS के लिए बटन दे रखा है जो को ड्राइवर और पैसेंजर के पास दोनों के पास ऑप्शन है। और इसकी जो लाइटिंग है वो यहाँ से कंट्रोल होती है, देखो ऐसे टच करने से। और ये बहुत पुराना फीचर है जो चलता ही आ रहा है, इनको एक ना यहाँ पे वो भी देना चाहिए। एक यहाँ पे दो कैमरे लगे हुए हैं जिससे ये ड्राइवर की फटीक और ये सब करते हैं, और दो कैमरे इधर भी दे रखे हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे, दे रखे हैं डिस्प्ले के पीछे, बट कहा तो ये जाता है। बाकी ये दो कैमरे जो हैं ये ड्राइवर की वो चेक करते हैं कि ड्राइवर थका तो नहीं है, गाड़ी नींद तो नहीं आ रही, उसके बाद ये सजेशन देगी आपको कि भाई साहब आप रेस्ट कर लो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट्स जो हैं वो अच्छी लगती है इसकी। बाकी एक बारी जो वीडियो है ना वो हम नाइट की बनाएंगे जिसमें मैं इसके लाइट के फीचर्स के बारे में आपको बताऊँगा।